रायबरेली में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों की गुंडई, सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को बेरहमी से पीटा, मारपीट में जूनियर कई छात्र घायल, विद्यालय में छात्रों व अभिभावकों का लगा जमावड़ा, विद्यालय प्रशासन मौके से नदारद। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बल्ला स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की घटना। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। घटना हुई सर, घटना हुई आपके स्कूल में? क्या घटना हुई सर? क्या घटना हुई जानकारी नहीं सर, घटना क्या घटना हुई अंदर चल रहा है? लड़कों ने बताया सर कि एक लड़का एडमिट है, हमें मारा गया है, उनके सब नाप नोट कराए हैं। किसी और हाउस का बच्चा है? किसी और हाउस इससे? तो आप सर लड़कों को लेके जा रहे हैं वहाँ पे, बात घटना क्यों, घटना क्यों छुपा रहे हैं? मीडिया क्यों घटना छुपा रहे हैं? घटना क्यों छुपाएंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनमोल भारती है, हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय बल्ला रायपुर। क्या हुआ है आज, क्या मामला हुआ? एक्चुअली बात यह है कि हमारे पास एक फोन था जो कि यहाँ नवोदय विद्यालय के विरुद्ध है, लेकिन हम उसकी गलती मानते हैं, टीचर से बात भी की है, और बस ये था कि हमारा फ़ोन खो गया था। तो हम लोग सीनियर भैया लोग जो हैं 11th 12th में, उनसे ये कहा था कि भैया आपके पास हमारा फ़ोन है क्या? तो उतने में वो समझ गए कि हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमने फ़ोन चोरी किया है। और इतने में ही कि राजवीर है एक लड़का, उसका कॉलर पकड़ लिया, उसको मारने को चढ़ने लगे, और इसी वजह से उस टाइम हम लोग ने सॉरी वॉरी बोल दिया कि चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, फ़ोन चला गया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, सॉरी सॉरी बाकी बोल दिया। फिर उसके बाद उस टाइम तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जब 6 बजे रात शाम को 6 बजे काउंटिंग के बाद पूरा 11th और पूरा 12th कोलैबोरेशन कर लिया आपस में, मतलब हो गए। और फिर हम लोग को पूरे कक्षा 10 को एक एक हाउस वालों को बुलाया, पूरे कक्षा 10 वालों को, मतलब हाँ, और रैगिंग की, सीनियरिटी दिखाई, कॉलर पकड़े, थप्पड़ भी मारे दो चार लड़कों को, इतना रैगिंग किया कि सब रोने लगे। और फिर जब एक बार अरावली हाउस को हमको भेजा था, खुद भेजा था कि अरावली हाउस जाओ और सारे बच्चों को बुला कर लो, और हम गए और थोड़ा लेट हो गया, बस उतने में ही पूरा 11th आ गया और सबको मारने लगा। और हम भी उसमें, आयुष मौर्य हमारा दोस्त है, उसको खूब मारे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसको बचाने के चक्कर में हमको भी काफ़ी मारे। पूर्व में भी परेशान करते थे या? हाँ, और पहले भी कई मैटर बन चुके हैं, हमको 7th में भी मारा है और 9th में भी मारा है। रैगिंग भी करते थे? रैगिंग बहुत करते हैं, रैगिंग तो सबसे ज़्यादा करते हैं, मारते और कुछ करते हैं रैगिंग में, और कुछ भी करवाते हैं, और कहते हैं कि देसी कट्टा बंदूक जहाँ मिलना है, यहाँ से लेके रायबरेली लखनऊ तक जहाँ मिलना है तहाँ मिल लो, खुला चैलेंज करते हैं, सीनियरिटी दिखाते हैं कि मारेंगे तुमको, यहाँ भी मारेंगे और टीचर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, विद्यालय प्रशासन बोलेंगे, टीचर को भी मारेंगे। विद्यालय प्रशासन कुछ किया? कुछ नहीं किया, पिछली बार मारे थे तो जो इतने 12th में है वो 11th में थे उस टाइम, और 9th वालों को मारे जो हम लोग 10th में, उस टाइम हम लोग 9th में थे, और मारे थे, टीचर्स को बताए, कुछ नहीं हुआ, बात खत्म हो गई, सब रफा दफा हो गया, सब काम यहाँ के टीचर खुल के बोलते हैं 12th वालों का साथ, और टीचर खुल के बोलते हैं कि 12th वालों का आखिरी है और उनको कुछ नहीं होगा, उनका साथ दें। और पिछली बार अशोक सर हैं जो हमारे पुराने हाउस मास्टर हैं, उन्होंने हाउस मास्टर इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत सिंह है। कहाँ पर आए हैं और क्या मामला है? जी, मैं नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय बल्ला रायबरेली आया हुआ हूँ, मेरा बेटा यहाँ 10th का स्टूडेंट है, और उसको कल 11th और 12th वालों ने मिलके पूरी 10th क्लास को बहुत मारा है, और इस तरीके से नहीं मारा, इस तरीके से मारा है कि एक दो लड़के एडमिट है और 3-4 लड़के बेहोश हो गए थे जिनको पानी डाल के उठाया गया, और हम भी आए यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए, तो सुबह से कोई टीचर भी नहीं सुनने को तैयार, प्रिंसिपल मैम अभी तक हमारा एप्लीकेशन नहीं लेते उनको, मतलब कोई लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और मैम को इतना टाइम नहीं है कि वो हमसे एप्लीकेशन ले ले और हमसे सुन तो ले हमारी, उनको क्लास की लेट हुई, तो क्लास के ज़्यादातर बच्चे बाहर घूम रहे थे क्योंकि वो खुद डरे हुए थे कि 11th 12th वाले फिर ना मारे। ठीक है, अभी जब हमने 100 नंबर डायल किया है, पुलिस आई है, तब उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया, तब वो हमारी बात सुन रही है अभी भी, लेकिन वो बायस कर रही हैं हमें, मतलब ज़बरदस्ती वो बायस वो कर रहे हैं कि हाँ सब 10th वालों पे छोपना चाह रहे हैं, कोई उनकी गलती नहीं मान रहा। ये नौदे में आज से नहीं, हर दूसरे तीसरे महीने मारा जाता है यहाँ पे, बच्चों को बंद करके मारा जाता है, टीचर्स को मारा गया है, उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई, कोई लीगल एक्शन नहीं होता कभी भी। जब टीचर को मारा गया तब शायद 3 लड़कों को TC दिया गया था, लेकिन बच्चे चाहे जितने मार खाए कुछ नहीं होता। कुछ लड़के की लेडीज अंडर गारमेंट पहना बना के बच्चों को मारा गया और मैंने उसको नचाया गया। रैगिंग भी होती है? रैगिंग बिल्कुल होती है। अच्छा, उनका मन होता है तो चप्पल साफ कराते हैं, जूते साफ कराते हैं, टीचर से बोला जाता है, डर के मारे नहीं बताते, अगर बोलते हैं तो फिर मारते हैं,
और नहीं बोलते भी हैं तो वो ज़्यादातर सीनियर्स के पक्ष में रहते हैं क्योंकि वो खुद डरते हैं। आपके साथ क्या हुआ है? आपको भी मेरे बच्चे को भी कल मारा गया। इन लोगों के पूरी टेंथ क्लास में मेरा बच्चा भी टेंथ ए में है, उसको ही मारा गया।